गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको अत्यंत खतरनाक वशीकरण करने के लिए 15 के महाशक्तिशाली यंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। यह एक अत्यंत सटीक और अचूक वशीकरण करने के लिए एक बहुत प्रभावी यंत्र माना जाता है। इस वशीकरण यंत्र को धारण करने से सभी लोगों का या किसी भी मनचाहे स्त्री या पुरुष का किसी भी मकसद, काम या कार्य के लिए बहुत खतरनाक वशीकरण किया जा सकता है और उस व्यक्ति को वशीकरण के बंधन में लाकर उसे पूरी तरह से अनुकूल बनाया जा सकता है। अब मैं आपको 15 का यंत्र बनाकर उसे धारण करने के विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। इस 15 के यंत्र को आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन, शुभ नक्षत्र या शुभ तिथि देखकर बना सकते हो। इस यंत्र को भोजपत्र या सफ़ेद रंग के कागज पर यक्ष कर्दम की पेस्ट से चमेली के कलम से लिखना है। यक्ष कर्दम एक सुगंधित वस्तु है और वह किसी भी पूजा विधि या तांत्रिक वस्तुएं बेचने वाले दुकान में आपको आसानी से मिल सकती है। चमेली के कलम यानी कि चमेली के पेड़ के का एक नुकीला टुकड़ा। अब मैं आपको यंत्र कैसे बनाना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। यह देखिए, मैंने एक स्क्वायर निकाला है। उस स्क्वायर में 6 छोटे 9 स्क्वायर है और उसमें कुछ अंक लिखे हैं। वह अंक आप हिंदी में, अंग्रेज़ी में या अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हो। अंक इस प्रकार से है, 6 7 2 1 5 9 8 3 और 4। यंत्र बनाने के बाद उसके सामने धूप और दिया प्रज्वलित करके उसकी एक छोटी सी पूजा करनी है और जिस कार्य, काम, मकसद या स्त्री या पुरुष को वशीभूत करने के लिए आप इस यंत्र को बना रहे हो उसका नाम लेना है या संक्षेप में बोलना है। इसके बाद इस यंत्र को आप एक धातु के लॉकेट में डालकर अपने गले में धारण कर सकते हो या उसे लैमिनेट करके उसे अपने जेब में भी रख सकते हो। यह एक अनुभूत वशीकरण यंत्र उपाय है जिसे हमने हमारी साइट profit666.com पर कई साल पहले प्रकाशित किया था और हमारे बहुत सारे वाचकों को इसका फ़ायदा भी हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस यंत्र प्रयोग का सकारात्मक सोच और पूरी आत्मविश्वास से करोगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।